हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे पिछले रेस की, जो कि है मैसूर रेस, या मैसूर रेस 24/1/2020 थे, जो कि डेट था। टोटल 7 रेस था। जैसे मैं बोला था कि कुछ रेस अपसेट्स हो गए, कुछ रेस अच्छे हो गए, तो वैसे ही हुआ है। हाँ, बहुत से सिलेक्शंस हमारे बोर्ड पे रहे, और एंड ऑफ कोर्स मैं भी प्रॉफिट में ही हूँ। प्लेस खेल के मैंने प्रॉफिट किया है। आई होप सो आप भी प्लेस करके प्रॉफिट में ही हो गए होंगे। एंड हाँ, मैं पूरा रेस नहीं खेला, जो मुझे रेस समझ में आया वही रेस किया हूँ, तो इसलिए मैं प्रॉफिट में हूँ। तो चलते हम आज के रेस की तरफ। डेट है 25/1/2023, बैंगलोर रेस। सो बैंगलोर रेस है, टोटल 9 रेस की कार्ड है। टोटल 9 रेस की कार्ड है। तो रेस कार्ड देख के ऐसा तो लग रहा है कि बहुत ही डेंजरस कार्ड है, क्योंकि बहुत से मतलब कन्फ्यूजन से ऐसा लगता है कि ये घोड़ा जाएगा पर ऐसा नहीं करेंगे, उन लोग दूसरे तरफ से जाएंगे। मतलब बहुत सारे अपसेट्स का चांसेस बहुत है इस रेसेस में, तो इसलिए सोच समझ कर खेलिए। टोटल 9 रेस है, पूरी रेस खेलने की ज़रूरत नहीं है। जो रेस समझ आपको अच्छा लगे, मतलब लगे कि हाँ वाह ये घोड़ा आ सकता है, दिन भर में 2-3 रेस मतलब समझ में आए, वही रेस कीजिए, प्रॉफिट में रहेंगे आप। इसलिए पूरी रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं बेंगलोर के फर्स्ट रेस में। बेंगलोर का फर्स्ट रेस है द नेशनल टूरिज्म डे प्लेट डिवीज़न 2 क्लास 4 1200 मीटर। Whips आर नॉट अलाउडेड इन दिस रेस। सो बैंगलोर फर्स्ट रेस फर्स्ट चॉइस इज 9 नंबर हॉर्स कैश आउट बी दर्शन एंथनी फॉर विन प्लेस। सेकेंड चॉइस है 4 नंबर हॉर्स चेन ऑफ थॉट्स एस एंथनी राज फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 7 नंबर हॉर्स बेलडोना के साई किरण फॉर प्लेस। सो फर्स्ट रेस ठीक ठाक है, उसका हमारा ये जो 3 चॉइसेस है बेस्ट चॉइसेस है, तो इसमें आपको जो समझ में आए और ऑड्स जरूर देखना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा घोड़ा प्लोस बोर्ड पे आएगा, उसका प्लेस का चांस लीजिए, तो आप प्रॉफिट में होंगे। तो चलते हम बेंगलोर के सेकंड रेस में। बेंगलोर का सेकंड रेस है द गेटवे ऑफ इंडिया प्लेट डिवीजन 3 क्लास 4 1400 मीटर। बेंगलोर का सेकंड रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर हॉर्स एरोवेट पी ट्रेवर फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 10 नंबर हॉर्स मिस्टिकल मेरखाबा पी किरण राय फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 3 नंबर हॉर्स द परफेक्ट चॉइस के साई किरण फॉर प्लेस। तो बेंगलोर का सेकंड रेस भी ठीक ठाक है, अच्छी रेस है। तो हमारे ये जो चॉइसेस है 1, 10 एंड 3 एरोवेट पी ट्रेवर विन प्लेस, ऑफकोर्स बेस्ट जॉकी है तो ज़रूर बोर्ड पर आएगा, तो इसलिए अगर आपको प्लेस का थोड़ा बहुत प्लेस मिला तो इसको प्लेस का चांस लीजिए, तो कि आप प्रॉफिट में हो गया। अगर आपको विन समझ में आता है तो विन का चांस लीजिए। तो चलते हम बेंगलोर के थर्ड रेस में। बेंगलोर का थर्ड रेस है द लूनी प्लेट क्लास 5 1600 मीटर। बेंगलोर का थर्ड रेस का फर्स्ट चॉइस है 8 नंबर हॉर्स लव यश नरेडू फॉर विन प्लेस। सेकेंड चॉइस है 6 नंबर हॉर्स लाइट एजेंट पी किरण राय फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स स्टेलर गोल्ड आर इन दर्शन फॉर प्लेस। तो बेंगलोर का थर्ड रेस मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत गड़बड़ रेस है, फिर भी हमारा जो बेस्ट निकल के आ रहा है 862, तो इसमें आप जरूर ऑड्स जरूर देखना, तो क्या आप समझ में आ जाएगा करके घोड़ा बोर्ड पे आ सकता है, इसलिए ऑड्स जरूर देखना। और अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है ये रेस, थर्ड रेस, तो स्किप कर दीजिए। तो चलते हम बेंगलोर के फोर्थ रेस में। द गेटवे ऑफ इंडिया प्लेट डिवीजन 2 क्लास 4 1400 मीटर। बेंगलोर का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 7 नंबर हॉर्स रोमन पावर अक्षय कुमार फॉर विन प्लेस। सेकंड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स जीराविच पी ट्रैवर फॉर विन प्लेस। एंड थर्ड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स मे बैच वाई श्रीनाथ फॉर प्लेस। तो मैं कह सकता हूँ फोर्थ रेस भी ठीक ठाक चाहिए, तीनों बेस्ट जॉकीज़ है। 712 हमारा जो बेस्ट सिलेक्शंस निकला हुआ है और तीनों में भी अच्छे जॉकी है, तो है ज़रूर बोर्ड पे ही रहेंगे, तो इसमें आपको जो प्लेस समझ में आता रहेंगे तो प्लेस का चांस दीजिए। अगर विन जो आपको समझ में आए तो विन का चांस दीजिए। तो चलते हम बेंगलोर के फिफ्थ रेस में।
बेंगलोर का फिफ्थ रेस है द श्रीकांता दत्ता नरसिम्हा राजा वाड़ियार मेमोरियल ट्रॉफी क्लास वन 1200 मीटर। बेंगलोर का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर हॉर्स स्टार ग्लोरी सूरज नरेडू फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स कैराका स्पीड ड्राइवर फॉर विन प्लेस। बैंगलोर का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर हॉर्स स्टार ग्लोरी सूरज नरेडू फॉर विन प्लेस एंड सेकंड चॉइस है 5 नंबर कैराका स्पीड ड्राइवर फॉर विन प्लेस। इसमें सिर्फ 2 घोड़े का प्लेसिंग्स रहेगा तो इसलिए मेरा ये 2 चॉइसेस है 3 एंड 5 दोनों टॉप जॉकी है तो ज़रूर बोर्ड पे ही रहेंगे। तो इसमें भी आप कुछ सोच समझ कर जो मतलब आपको विन लगे तो विन करिए या प्लेस का चांस जिसको अच्छा मिलता है तो उसको प्लेस करिए। तो चलते हैं बैंगलोर के सिक्स्थ रेस में। द बैंगलोर का सिक्स्थ रेस है द बैंगलोर विंटर मिलियन ग्रेड 3 1200 मीटर। बैंगलोर का सिक्स्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 7 नंबर हॉर्स जूरी इमरान चिश्ती फॉर विन प्लेस सेकेंड चॉइस है 2 नंबर हॉर्स बोल्ड एक्स सूरज नरेडू फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 4 नंबर हॉर्स ऑगस्ट अक्षय कुमार फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का सिक्स्थ रेस मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत गड़बड़ रेस है, फिर भी हमारा जो बेस्ट सिलेक्शन निकल के आ रहा है 7-4 इमरान चिश्ती सूरज नरेडू अक्षय कुमार, क्योंकि ये रेस में सभी अच्छे जॉकीज है। कुछ हॉर्सेस का डेब्यूटर ने कुछ हॉर्सेस का रेड हो चुका है, मतलब यहाँ पे बच्चे घोड़े की रेस है इसलिए सोच समझ कर के लिए, अगर नहीं कुछ समझ में आता तो स्किप कर दीजिए, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ रेस है सिक्स्थ रेस। तो चलते हैं हम बैंगलोर के सेवेंथ रेस में। बैंगलोर का सेवेंथ रेस है द बैंगलोर रेस कोर्स 160th ईयर कॉमोमरेशन ट्रॉफी 1600 मीटर। बैंगलोर का सेवेंथ रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स सीच पेरुलस एस जॉन फॉर विन प्लेस सेकेंड चॉइस है 1 नंबर हॉर्स कैंसिंगटन एस एंथोनी राज फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 6 नंबर हॉर्स मून्स ब्लेसिंग पी ट्रेवर फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का सेवेंथ रेस भी अच्छी रेस है, ठीक ठाक रेस है, तो इसमें भी आप इसमें चांस ले सकते हैं विन का या फिर प्लेस का। आप मेरे हिसाब से आप प्लेस का ही चांस लीजिए, तो इसमें जरूर और ज़रूर देखना और देख के ही खेलिए। तो चलते हैं हम बैंगलोर के एथ रेस में। बैंगलोर का एथ रेस है द गेटवे ऑफ इंडिया प्ले डिवीजन 1 क्लास 4 1400 मीटर। बैंगलोर का एथ रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स एडजस्टमेंट ए संदेश फॉर विन प्लेस सेकंड चॉइस है 6 नंबर हॉर्स कैप्रियटी एस एंथोनी राज फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 8 नंबर हॉर्स आर्मोरी पी किरण राय फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का एथ रेस भी अच्छी रेस है, ठीक ठाक रेस लग रही है, वो इसका हमारे जो बेस्ट सिलेक्शन निकल के आ रहा है 2, 6 एंड 8 संदेश एंथोनी राज पी किरण राय एंड आई होप ज़रूर ट्राई पे ही रहेंगे एंड 2 नंबर का ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए फिर भी आप सोच समझ कर के लिए और प्लेस का ज़्यादा चांस लीजिए, प्लेस बेटर रहेगा यहाँ पे, अगर आपको विन समझ में आता हो विन करिए। तो चलते हम बैंगलोर के 9th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे द नेशनल टूरिज्म डे प्ले डिवीजन 1 क्लास 4 1200 मीटर एंड विप्स आर नॉट अलाउडेड इन दिस रेस। सो बैंगलोर 9th रेस फर्स्ट चॉइस इज 1 नंबर हॉर्स पनामा एल एलेक्स रोजारियो फॉर विन प्लेस सेकेंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स ओम बर्ड्समन वाई श्रीनाथ फॉर विन प्लेस एंड थर्ड चॉइस है 7 नंबर हॉर्स बाल्टीमोर एस एंथोनी राज फॉर प्लेस। तो बैंगलोर का लास्ट रेस भी ठीक अच्छी है रेस है, वन जो सिलेक्शन हमारे निकल के आया 157 एलेक्स रोजारियो वाई श्रीनाथ एंथोनी राज तीनों ट्राई पे ही रहेंगे विदाउट प्रिपरेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़रूर बोर्ड पे ही रहेंगे। तो प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो प्लेस जिसको मिलता रहेगा अच्छा जो आपको समझ में आता रहेगा प्लेस के लिए उसे प्लेस करिए, अगर विन आपको जो पसंद है तो विन करिए। तो ये रहा हमारा बैंगलोर का 9 रेस का 9 सिलेक्शंस। तो सोच समझ कर खेलिए, पूरी रेस खेलने की ज़रूरत नहीं है, जो रेस समझ में आए वही रेस कीजिए, बाकी सब स्किप कर दीजिए। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर द टुमारोज बैंगलोर रेस, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।